हाँ जी, तो क्या हाल है सबके। तो आज मैं दिखाता हूँ आपको जापान का बुर्ज खलीफा। मजाक कर रहा हूँ, फुकुओका टावर बोलते हैं। तो यहाँ पे आने के लिए यार एक स्टेशन है, अगर वहाँ से हकाता से आते हैं ना तो निशिजेन स्टेशन है, वहाँ पे आ सकते हैं। और बस से आते हैं तो ये बस स्टैंड है, तो यहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन स्टेशन से आते हैं तो थोड़ा सा पैदल चल के आना पड़ेगा, समथिंग 1.5 किलोमीटर। तो चलिए आगे दिखाता हूँ आपको यहाँ का बुर्ज खलीफा, फुकुओका टावर। और ये कुछ मेरे भाई लोग हैं नेपाल से आए हैं, इनको भी घुमाते हैं साथ में, और हम भी घूमेंगे और तुम भी घूमना। ये स्टेशन है, इसका नाम है निशिजेन। तो ये अंडरग्राउंड है स्टेशन, पर बहुत सारे गेट है, किसी भी गेट से निकल सकते हो। ये 4 नंबर का गेट है, तो यहीं से पैदल जा सकते हैं। देखो यार, इधर बिल्डिंग भी अच्छी बनी यार, ईंट की लग रही है। और ये एक पुराना सा रेस्टोरेंट टाइप का है, रेस्टोरेंट ही है शायद। तो बड़ा शांति माहौल है यार इधर, तो माहौल शांत है। प्लेग्राउंड है, दौड़ रहे हैं लौंडे। देखो फुकुओका टावर के पास बिल्डिंग है, और ये फुकुओका टावर से बड़ी लग रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। दूर से देखो तो ये बिल्डिंग भी दिखती है। देखो यार यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, यहाँ पे ऑफिस वगैरह है। देखो सामने NEC, नेक का और हिल्टन का। ये फुकुओका टावर है, एक्चुअली इसका बिल्डिंग का नेम फुकुओका टावर है। और ये देखो आज संडे है तो काफ़ी लोग आए भी हैं, भीड़ भी है। और इधर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग प्लेस है यार, रियली। यहाँ पे मैं एक्चुअली आया हूँ कई बार, बट इस बिल्डिंग पे नहीं गया ऊपर, और आज इसके ऊपर जाऊँगा। देखते हैं यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ से पूरा व्यूज दिखता है फुकुओका का। तो देखो ये बहुत अच्छी लोकेशन है, अभी नीचे जा के देखते हैं। ये देखो ये पूरा इधर बीच है, पूरा समंदर है, और इधर सामने है ये बिल्डिंग फुकुओका टावर। और ये आज तो यार काफ़ी लोग आए हुए हैं, संडे है ना, बट थोड़ा सा मौसम ठीक नहीं है, धूप नहीं है, पर हमारे लिए ठीक है। हम इंडियन को ऐसे ही मौसम अच्छा लगता है, पर ये जैपनीज़ों को जब तक धूप नहीं होती ना, तब तक इनको मौसम अच्छा नहीं लगता। नेपाल से आए हुए भाई लोगों को घुमा देते हैं फुकुओका टावर। इसको बाइक बड़ा जल्दी, अभी इसका काम है। काम है, इधर एक एक्टर भी है, ठीक है। ये एक एक्टर भी है भाई, नेपाल से आया है। क्या करता है? म्यूजिक वीडियो में आता है ये, नेपाली सॉन्ग में। लिंक उंक वगैरह डाल दूंगा तो देख लेना। देखिए सामने रिजॉर्ट है यार, होटल है। इसके अंदर तो गया नहीं मैं कभी, बहुत बिंदास लग रहा है सीरियसली। क्या व्यूज है यार, देखो कितना बढ़िया यार ये होटल है। इसके अंदर पार्टी सार्टी होते होंगे, मैरिज वगैरह में भी, रेस्टोरेंट वगैरह भी होंगे इसके अंदर। तो यार सबसे पहले चलते हैं ऊपर ये बिल्डिंग में जो देखने आए हैं। ये यहाँ पर गाइडेंस देते हैं। बड़ा जबरदस्त लग रहा है यार। एक लेडीज है हमारे साथ गाइडेंस के लिए।
123 meter है ये देखो भाई साहब, पूरा फुकुओका दिख रहा है यहाँ से। ये अगर ज़्यादा अच्छे लोकेशन यहाँ से देखना तो दूरबीन लगे हैं, इनसे देखा जा सकता है। देखो उधर भी लगा है और एक ये भी लगा, बट इसमें ये है, इसमें 100 ईयर लगता है तभी बाहर देख सकते हैं। अभी देखेंगे यहाँ पे, माइंड ब्लोइंग है यार, सीरियसली बहुत बढ़िया यार, देखो क्या लोकेशन है। ये सामने LED लगी है, यहाँ पे नाइट का नज़ारा ऐसा होता है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है वैसे तो, पर कैमरे में शायद नहीं आ रहा। सारे जगह दूरबीन लगे यार, काफ़ी बड़े बड़े। ये दूरबीन नहीं है, ये इसका कितना फीस है, इसकी 300 है, 3D दिखेगा यहाँ से, देखते हैं अभी। और ये देखो क्या गजब का व्यूज है, दिखेगा चलिए बहुत अच्छा दिख रहा है यार, यहाँ से तो बहुत दूर का बहुत पास में दिख रहा है। वो बंद हो गया, खत्म हो गए पैसे यार, बहुत अच्छा दिख रहा है यार। इतना दूर है भाई साहब, बहुत दूर है, पर इसमें से इतना पास में दिख रहा है, फोटो खींच रहे हैं। ये यहाँ पे फोटो स्पॉट है, ये कार्ड मिलता है, इसको यहाँ पे लगाना पड़ता है, फिर हम फोटो खींचेंगे इससे। ये सामने कैमरा है और यहाँ से फोटो आती है। देखो भाई साहब यहाँ से नज़ारा बहुत गजब है यार। देखो नीचे रोड है यार, ये तो यहाँ से ऐसे डर लग रहा है देखने में। लेके भी जाते हैं, छोड़ने भी जाते हैं। एक तो ये भाई की बहुत जल्दी हो रही नहीं, अभी तो घूमना था, यहाँ पे देना है तब शायद हमारी फ़ोटो मिलेगी। यहाँ पे फोटो खींचा था, शायद पैसे लेंगे तो हम नहीं देंगे यार, हमें क्या करना है फिर पैसे। अरे यार फुकुओका टावर आया था और ये भाई मेरा सब्सक्राइबर मिला यार, फर्स्ट सब्सक्राइबर से मीट कर रहा हूँ मैं फुकुओका में। और भाई को अभी कितना टाइम हुआ भाई आए? 1 महीने भी नहीं हुआ। अभी 1 महीना हुआ है तो भाई मैं मास्क वगैरह लगा रखा था तो भाई ने पहचान गया मुझे। और भाई कुछ वीडियो वगैरह देख के फायदा होता है? हाँ फायदा होता है, इसीलिए तो पहचान गया। आपका वीडियो बहुत देखता हूँ इधर तो। अच्छा यहाँ पे भी देखते हो वीडियो? हाँ देखता हूँ। अरे बढ़िया यार, फिर बेस्ट ऑफ लक यार भाई फ्यूचर के लिए।
और कोई भी और ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो और फुकुओका में है अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना। नंबर भी ले लिया, नंबर भी दे दिया भाई को, जो भी फुकुओका आता है नंबर ले सकता, कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है भाई, बाय 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 बाय।